आज मेरी दो प्यारी सहेलियों का बर्थडे है, मेरा मतलब खुशी और मानवी का। तो चलिए सास बहू बेटिया से उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आज है निया यानी आपकी प्यारी मानवी का हैप्पी वाला बर्थडे और सास बहू और बेटिया उनके लिए लाया है एक यमी यमी सा केक। तो चलिए हम निया और कुशाल के साथ इनका हैप्पी वाला बर्थडे मनाते हैं। हाय निया। हाय हाय हाय। Good to celebrate with the people you hate the most and you love the most. Yes. You know what I mean? Happy happy birthday kar dena, theek hai? मैं अपने बर्थडे पे आज इतनी एक्साइटेड खुद ही हूँ, कोई आस पास है नहीं। द बुकेज, द फ्लावर्स एंड द केक्स, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितने केक्स हैं। एंड द फैंस दैट हैव सेंट सो मच लव टू मी ऑल द वे, आई थिंक दिस इज माई बेस्ट बर्थडे एवर। बर्थडे भी बन गया, केक्स भी खा लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और पहला सवाल मेरा ये है कि निया कितने साल की हो गई है, बताइए आपसे पहले पूछते हैं। निया हो गई है 22 की। पता है 22। I'm giving a perfume, clothes and dresses and all, that's all. Dale dale paanse aaye hale hale zindagi। सास बहू बेटिया का बर्थडे सेलिब्रेट करके, सास बहू बेटियां इतनी अच्छी होती है, सास तो बहुत ही अच्छी होती है, बेटियां भी अच्छी होती है, बहू तो बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा निया जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए। थोड़ा सा थोड़ा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये सास बहू और बेटिया की तरफ से भी हम निया को एक छोटा सा केक खिलाना चाहेंगे। हेलो टू सास बहू एंड बेटिया, थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन विजय के साथ पूजा त्रिवेदी, मुंबई। आज तक बर्थडे पर मीठी सी पप्पी, जादू की झप्पी, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, और दुलार भरा केक, चल बनाया आशिया। सनाया के बर्थडे पर मोहित की तरफ से भला इससे खूबसूरत तोहफा और क्या होगा, और इनके बर्थडे पर खुशियों भरा शगुन लेकर पहुंचा सास बहू और बेटियां। आज सास बहू और बेटिया में हमारे साथ है मोनाया, आपकी फेवरेट जोड़ी मोनाया, और हाँ ओकेजन भी कुछ खास ही है। जी हाँ, सनाया का बर्थडे जो है आज। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे विशेस विशेस, हैप्पी बर्थडे टू माय बेबी। Make a wish. तो मोहित क्या लगता है क्या विश मांगी होगी? भाई ये तो सनाया को ही पता है, अभी अभी सनाया ने शायद बोला हो कि कीप माई फैमिली हैप्पी, और वो हमेशा खुद के लिए मांगती नहीं है, वो हमेशा दूसरों के लिए मांगती है। वो शायद नौशर के लिए मांगा हो, जाना के लिए कुछ मांगा हो, और मॉम डैड के लिए कुछ मांगा हो, शायद मेरे लिए कुछ मांगा हो,
बट असरान नॉर्मली अपने लिए कुछ मांग के लिए आएगा। मैं कभी विश नहीं करती। आई एम जस्ट थैंकफुल एंड आई जस्ट विश फॉर हैप्पीनेस। दैट इज माय कांस्टेंट विश इन लाइफ कि मैं खुश रहूं, क्योंकि मैं खुश रहूंगी तो सबको खुश होगा। यू विल ऑलवेज हैप्पी, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। है क्या ये जो तेरे मेरे, आपको बता दें आज ही मिलेगा हम सबको लाख टके के उस सवाल का जवाब कि सनाया और मोहित आखिर शादी कब करेंगे। ये आपके फैंस जानना चाहेंगे कि कब जल्द ही हमें गुड न्यूज शादी वाली मिलने वाली है। हाँ, आप ट्यून इन कीजिए इस प्यार को क्या नाम दूँ। अगले 7-8 एपिसोड में शादी हो रही है मेरी। गुड न्यूज सनाया मोनाया जैसा कुछ है। नहीं, अभी कोई गुड न्यूज नहीं है एंड जब होगा यू ऑल विल नो। भाई आपके फैंस को तो बस आप दोनों की शादी का लड्डू खाने का इंतजार है। अच्छा, वैसे एक सवाल जो लड़कियों से आए थे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सनाया नहीं पूछना चाहिए। आपने सही कहा। फिर भी हम आपके फैंस जाना। मैंने कहा मेरे एवरीवन नोज माय एज, मैंने हर बार इंटरव्यू में बोला है। मोहित से पूछ ले, आई एम टू क्लोज टू, आई विल किल हिम, ही विल नॉट बी एबल टू सेलिब्रेट माय बर्थडे। मैं लगती स्वीट 24 हूँ। Yeah, you can say 24, yeah. You're asking the wrong people. हमें याद भी नहीं है कि हम no, I guess third. कपल्स नॉर्मली कहते हैं कि इस डेट पे भी 3.5 इंच अदर एंड ऑल। हम वी डोंट रिमेंबर दैट कौन सा ईयर कौन सा क्या। हम हर साल सोचते हैं कि ये डेट अच्छी है और उस दिन मुझे तो सोचते हैं नहीं 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 अब हम आगे से ये डेट रखेंगे। दिस इज टू ऑल द मोनाया फैंस, थैंक यू फॉर ऑल योर बेस्ट विशेस एंड मे बी ऑलवेज ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस। सास बहू और बेटिया की तरफ से भी सनाया विश यू अ वेरी हैप्पी 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 बर्थडे। कैमरा पर्सन परिन के साथ पूजा त्रिवेदी, मुंबई, आज तक। चलिए अब चलते हैं मेरे घर। पता नहीं सबको क्या हो गया, माँ जी बन गई हूँ महारानी और हिमजी तो बेचारे बावर्ची बन गए और मेरा देवर जिगर वो तो बॉडीगार्ड बन गया है और राशि सेक्रेटरी। पता नहीं अभी आप लोग मेरे साथ चलिए और दोनों मिलकर देखते कि माजरा क्या है। मुलायजा होशियार, काठियावाड़ की रानी साहिबा तशरीफ ला रही हैं। जो शेर और मात के खेल में हुकुम का इक्का फेंकेंगी। कैरेक्टर का नाम है काठियावाड़नी रानी, जो किरदार जिससे पूरे मोदी परिवार को हिला दिया है, तो उसे हिलाने के लिए ये किरदार निभाना बहुत जरूरी था। दो के पास वजीर ने तो बादशाह और बेगम को गुलाम बना लिया, लेकिन उन्हें बचाने आ गया है बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड बना हूँ कोकिला जी का, जो कि रानी माँ बनी है और ये उनकी असिस्टेंट बनी है। फाइनली 2.5 साल में कुछ चेंज आया। रानी साहिबा का ये बॉडीगार्ड अकेले नहीं आया, संग अपनी बुमनिया को भी लाया है। स्टार प्लस के सीरियल साथिया के इन किरदारों के फिल्मी मेकओवर की क्या कहानी है, ये खुद सुन लीजिए रानी साहिबा की जुबानी। कोकी का ये अवतार है और इसका मूलभूत कारण है 50 तोला की बात बोलूं राम जी भाई। ये जो 50 तोले में इन्होंने मुझे जो झके पूरा 50 तोले में जो लपेटा है पूरे मोदी परिवार को, तो कहीं ना कहीं इस अवतार के पीछे राम जी भाई ने जो कुयोजना बनाई और मेरी गोपियों को फंसाया है, तो कहीं ना कहीं पूरा मोदी परिवार बहुत ही परेशान है और राम जी भाई के शिकन जैसे गोपियों के उस कॉन्ट्रैक्ट को छुड़ाने के लिए हमने ये रूप धरा। कोकिला ने तो ऐसा रूप धरा कि धूर्त राम जी को भनक तक नहीं लगी। मोतियों का हार, झुमके, जरीदार और वाइट साड़ी, भाई सासू माँ के तो ठाट है।
कोकिला बेन कोकिला के उस तेवर में नहीं दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं उस तेवर में एक सौम्यता है और कहीं ना कहीं एक नयापन है। रानी बनने के सपने तो राशि ने भी देखे थे लेकिन किस्मत गज्जा दे गई। मैं भी काफी दुखी हो गई, मुझे लगा था कि मैं एटलीस्ट प्रिंसेस तो बन रही हूँ, लेकिन प्रिंसेस भी मेरी रानी माँ ने कैंसिल कर दिया और मुझे ये बेचारी असिस्टेंट बना दिया। राशि असिस्टेंट बनकर दुखी है लेकिन अहम बाबू को बेगम की गुलामी में बड़ा मजा आ रहा है। सास बहू और बेटों की चौकड़ी फिलहाल तो धूर्त राम जी भाई को चकमा देने में कामयाब रही है। अब इंतजार है कि कितनी जल्दी गोपी बहू को राम जी भाई के चंगुल से आजाद करा पाते हैं। पूजा त्रिवेदी, मुंबई, आज तक। तो चलिए अब चलते रेल एक्सप्रेस पे और देखते हैं सास बहू बेटा की सीरियल एक्सप्रेस की गाड़ी कौन कौन से सेट पे गई है। सीरियल एक्सप्रेस के साथ हाजिर हैं हम टीवीपुर की फटाफट खबरें लेकर, और आज का हमारा पहला स्टेशन है सपने सुहाने लड़कपन का सेट, जहां रचना ने थाम ली है हॉकी और कर रही है चक दे इंडिया। हमारे कॉलेज में एक बहुत बहुत बड़ा मैच होने वाला है, SBC वर्सेस RAC, तो मैं फुल ऑन तैयार हूँ मेरे मैच के लिए। बढ़िया है रचना, खूब गोल कीजिए, मगर अपनी बहना गुंजन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा, क्योंकि उसकी वजह से ही आपको मिला है ये मौका। सीरियल एक्सप्रेस अब पहुंची बालिका वधू के सेट पर, जहां एक और बरसती बारिश में आनंदी शिव को बताएगी जगिया की माफी की बात, तो दूसरी ओर काम की तलाश में दर दर भटक रहा है जगिया। मुझे इसे कहते हैं किस्मत के खेल। पड़ाव है सीरियल आर के लक्ष्मण की दुनिया का सेट, जहां मची है गणेश उत्सव की धूम। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर को स्वामी, तुमसे बढ़कर को, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर को स्वामी, हमसे बढ़कर को। मिलकर कर रहे हैं पप्पा का स्वागत, क्योंकि इस बार सोसाइटी के लोगों ने एक साथ मिलकर गणेश उत्सव मनाने का फैसला किया है। सास बहू और बेटियां देख रहे हैं आप, और इस सफर को आगे बढ़ाने आ गई हूँ मैं निधि, और अब आपको मिलवाने जा रही हूँ अपनी ही जोड़ीदार यानी डॉक्टर निधि से, जो फुल टू फिल्मी स्टाइल में पुलिस वुलिस लेकर पहुंच गई है अपने हीरो यानी डॉक्टर आशुतोष को गुंडों से बचाने। तो चलिए उनकी थोड़ी बहुत मदद हम लोग भी कर दें। का सबसे फिल्मी और सबसे रोमांचक सीन आपकी नजरों के सामने है। इधर हीरो गुस्से की बंपर धुनाई कर रहा है, उसकी हड्डियों का सूरमा बना रहा है, और उधर हीरोइन अपने हीरो को गुंडों की तरफ से छुड़ाने के लिए पुलिस को साथ लेकर आई है। मगर ये क्या हो गया? बंदूक तो डॉक्टर आशुतोष के हाथ में थी, गोली तो आशुतोष बजरंगी को मारने वाले थे, फिर ये गोली डॉक्टर आशुतोष को कैसे लग गई?
किसने और किधर से चलाई गोली, ये भले ही अब तक सस्पेंस हो लेकिन डॉक्टर आशुतोष को कुछ नहीं होगा क्योंकि उनको बचाने आई है डॉक्टर निधि। मैं सिर्फ भाग रही हूँ अभी तक, अभी तो मेरे मिले ही नहीं है, अभी तो मैं ढूंढ रही हूँ मिले वो डॉक्टर रंगनाथ। मेन फाइट सीक्वेंस तो वही है कि जैसे आशुतोष पिट चुके होंगे तो निधि फाइट करेगी। नहीं मैं कुछ फाइट नहीं करने वाली हूँ, देखो हीरोइन ना बेटर देन फाइट वो करती है कि आके सब कुछ ठीक कर देना। तो मैंने इस जंगल में इनफैक्ट में गोली निकाली थी एक बार, आज मैं फिर से गोली का घाव होता है उसको ठीक करूंगी, मैं डॉक्टर नहीं है। सीन में भले ही गोली का दर्द डॉक्टर आशुतोष को रुला रहा है मगर बिहाइंड द सीन तो उन्हें ये बंदूक बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर याद दिला रही है। उधर डॉक्टर निधि को भी इन टेढ़ी मेढ़ी राहों में दौड़ने में बड़ा मजा आ रहा है। सीरियल कुछ तो लोग कहेंगे में ये ट्विस्ट लाया गया है आशुतोष और निधि को पास लाने के लिए। बेसिकली ये किडनैप हो गए थे और खो गए थे पूरे एक दिन के लिए खोए हुए थे, हमने इन्हें बहुत ढूंढा। तो ये जो झटका आता है इनकी लाइफ में और रिलेशनशिप में लाइक एकदम क्लोज है, बट ऐसा नहीं है कि लड़ाई बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, जो नोकझोंक है जो चलती रहती है अंदर वो चलती रहेगी। डॉक्टर आशुतोष को बजरंगी ने अपने भाई अमर के लिए किडनैप कर लिया था क्योंकि अमर डॉक्टर निधि से प्यार करने लगा था और निधि के शादीशुदा होने की वजह से उससे ये बात कह नहीं पाया था, इसीलिए अपने भाई अमर को उसका प्यार दिलाने के लिए एक गैंगस्टर बजरंगी ने अपनी गुंडई के दम पर आशुतोष को किडनैप करवा लिया। मुझे एक्चुअली जब मैं डॉक्टर आशुतोष को ढूंढने आई तो रोते हुए पहले वही मिले थे यहाँ कुएं के पास में, पर मैं उनसे पूछ रही डॉक्टर आशुतोष कहाँ है, फिर हमने गन शॉट सुना और हम भाग के आ गए। नहीं वो मुझे पता चल गया है कि उसके भाई ने, इनफैक्ट खुद ही अमर ने हमें फोन करके बताया है, उसी की वजह से हमें आज डॉक्टर आशुतोष दोबारा मिले हैं, अदरवाइज उसके भाई ने तो डॉक्टर आशुतोष को किडनैप कर लिया था। बजरंगी तो अपनी चाल में नाकाम रहा लेकिन ट्विस्ट काम कर गया। साधना भदौरिया, मुंबई आज तक। बिग बी अमिताभ बच्चन के बाद छोटे पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं दूसरे बिग बॉस यानी सलमान खान, जो आ रहे हैं बहुत जल्द बिग बॉस सीजन 6 के साथ। तो क्या खास होने वाला है बिग बॉस के इस नए सीजन में, चलिए आपको बता देते हैं। नाचते झूमते बॉलीवुड के माचोमैन सलमान खान पहुंचे बिग बॉस का पैगाम लेकर। अपने अलग ही अंदाज में सलमान ने किया बिग बॉस सीजन 6 का ऐलान। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। क्या आप सवाल पूछने की आदि हैं, लेकिन मैं सोचा आप एक जवाब दो, बस जवाब दो। शुरुआत में उन्होंने दो पत्रकारों को स्टेज पर बुलाया और उन्हीं से पूछना शुरू कर दिया कि क्या नया होगा बिग बॉस सीजन 6। थोड़ी मस्ती थोड़ा धमाल मचाने के बाद सलमान आ गए मुद्दे की बात पर। उन्होंने बताया कि इस बार घर में न्यू कमर के अलावा न्यू कमरा भी होगा। हिमालय से इसने छलांग लगाई है, नहरों में नहा नहा के आई है, गांव में इसके। यही नहीं, सलमान खान ने ये भी बताया कि इस बार घर में एक मछली भी होगी जो अहम रोल निभाएगी। कौन चीज मंगाई है सलमान, ये वो पहेली है जो सबको उलझाएगी। ओहो, यानी ये मछली जल की वो रानी है जो कि सबकी नानी है, इन पानी है थोड़ी सी गाड़ी है। What a fish! हो जाएगा आपको इश्क विद बिग बॉस सीजन 6। अलग छे अलग बता इस सीजन के में घर के घर इस सीजन के में घर के अंदर कौन कौन है? Are you serious भाई? बताओ। सोनू निगम। सोनू निगम जानता है तू उसे? मछली ही नहीं, इस बार तो बिग बॉस के घर में पोपट यानी तोता भी होगा। जॉनी भाई। अच्छा खुद ने बोला, जॉनी ने खुद ने बोला।
तीसरा तोते ने मुंह खोला, मेहमानों का नाम बोले, लेकिन बाद में ये भी कह दिया कि इनमें से कोई नहीं आएगा। अच्छा आखिरी नाम बता देना। सास बहू और बेटियां में आज का हमारा ये सफर बस यहीं तक।